सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो करते हैं ब्लॉग स्टार्टिंग सुबह के 10 बजे से, और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने मिट्टी वाले किचन से, क्योंकि आज मैंने यहाँ लिपाई पोताई करनी है, वो भी अकेले, क्योंकि हमारे घर वाले सारे काम चोर हैं। तो यहाँ ना हमने दीवार पे ना एक ही बार पोताई की है, तो हमने सोचा कि यहाँ एक बार और कर दी जाए, क्योंकि इसके बाद गेहूँ वगैरह पकते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पे मम्मी गेहूँ धो रही है, जो कि बाजार के गेहूँ हैं, इनमें बहुत मिट्टी वगैरह आई रहती है ना, तो इसलिए इनको धोना पड़ता है। और यहाँ पे भी लिपाई चल रही है, जो कि दादी कर रही है, क्योंकि अब गेहूँ पकने वाले हैं। हाँ, दादी के खेत बाज रह रखे हैं। जब गेहूँ पकते हैं तो उनको कूटते हैं उसके बाद, तो यहाँ ना ये छेद छेद दिख रहे, तो यहाँ चले जाते, इसलिए इनको लिपाई करनी पड़ती है। तो यहाँ सीढ़ी लगा दी है, क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचा है ना, तो ऊपर पहुँचा नहीं जाएगा, तो सीढ़ी लगा दी है। और यह है मिट्टी, मिट्टी इसी से ना पुताई करनी पड़ेगी। तो अब मैं जा रही हूँ खेत गेहूँ वगैरह काटने, क्योंकि यहाँ पोताई मुझसे नहीं हो पाएगी, वहाँ इतने बड़े बड़े खड्डे और के, और मुझसे सीढ़ी में चढ़ा नहीं जा रहा है। और यहाँ मम्मी करेगी अब। और ये मेरी कंडी और दातली, तो चलो चलते हैं। तो पहुंच गई हूँ मैं खेत में, और यहाँ ना गेहूँ तो हुए ही नहीं है ना, ये देखो गेहूँ हुए ही नहीं है, हुए हैं तो ऐसे हुए हैं, पके भी नहीं हैं। ये देखो इनमें और काशीपुर के गेहूँ में तो धरती आसमान का फर्क है। ये सारा ले जाना है मैंने अभी घर। तो अभी मैंने पूरा काट दिया है, बस इनको अब बांधना है, फिर घर ले जाना है। यहीं पे तक था हमारा, यहाँ से आगे चाची लोगों का है, ऐसे ऐसे कट रखे ये, बांधने में दिक्कत होती है इनको, ये छोटे छोटे और के, पूरा तो घासी घास है इनमें, गेहूँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना। तो इनको बांध दिया है मैंने इस प्रकार से, आता तो नहीं था पर जुगाड़ मुगाड़ लगा के बांध दिया है।
एक बच गया, इसको कहाँ अटकाऊँ अब? क्या होगा? तो चलो चलते हैं घर। तो ये है ऐसे जुगाड़ करके, तो मैंने डाल दिए हैं कंडी में। तो अब लगाते हैं इसको पीठ पे, तो रानी को रख देते हैं इधर। चलो कंडी मम्मी की है ना, तो ढीले हो रहे। वो हो गया है सब काम खेत का। आप जाते हैं घर, देखते हैं वहाँ मम्मी ने कितनी की है लिपाई पोताई। अब ना गर्मी होने बैठ गई यार बहुत ज़्यादा। इस खेत में तो एक बीघे होनी है ना जिसका भी है ये। नहीं लिपा है तुमने यहाँ? अच्छा वाओ, तो यहाँ पे कल भी उठ गया है। कल गुड मॉर्निंग। हाँ आ गई मैं घास लेके। तो क्या कर रहा? अच्छा अच्छा बेबी आ गई तुम उठा के यहाँ पे जा प्लांट काम का जा मेरे को क्या देख रही जा ना। तो अभी हो रहे हैं 4:30 और अभी यहाँ पे दादी धो रही है अपने कपड़े। और ये है कलू जो घूमी घूमी कर रहा है। और यहाँ पे आ रखा है काकू जिसने 50 बार मेरे चैनल का नाम पूछ दिया है। इसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई चैनल। तो तुम क्या वही तो काकू क्या है मेरे चैनल का नाम? अन्नू ब्लॉग कर नहीं यार, अन्नू ब्लॉग। ठीक है सब्सक्राइब कर देना। ठीक है वो अच्छा होगा। ठीक है तो ये ब्लॉग अगले दिन से हो रहा है स्टार्ट। आज यहाँ पे थोड़ी काम चल रहा है जो कि मैं बब्बी मम्मी कर रहे और ताऊ। तो यहाँ पे ना ये थोड़ी पानी रुक रहा था तो यहाँ पे थोड़ी ऊंचा किया। इसके बाद यहाँ पे टाइल्स बचे थे तो वो लगेंगे। और ये है और यहाँ पे थोड़ी ऊंचा कर रहे हैं, मसाला बचा था ना इसलिए। और ये है कारीगर लेबर की दिहाड़ी है 200 रुपये। या तो अब बना रही हूँ मैं चाय क्योंकि काम पूरा हो गया है। तो लास्ट में चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। तो फाइनली चाय भी बन गई है मम्मी। ले चीनी भी पी यार तू यूएच बताऊं काम का तेरा काम है नहीं है। तो यहाँ पे दादा ने अपने हाथों से रस्सी बनाई है। ये है भांग का। भांग का क्या है?
और इसको मुहिया बोलते हैं, बैलों के मुंह पे लगाते हैं, फिर वो लोग घास वगैरह नहीं खाते हैं। तो जिसको भी चाहिए होगा हमारे घर आ जाना। दादा ने बेचने के लिए बना रखे है। तो अब यहाँ पे छानते हैं गेहूँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अगर मैंने गेहूँ छानते छानते वीडियो बनाई, भैया तो फोन चलाया, तो मम्मी ने मेरे को काचे खाना है। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।